हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। माय नेम इज़ दीपक एंड इस वीडियो में बात करेंगे जो हाल ही की यूजीसी की नोटिफिकेशंस चल रही हैं। सबसे पहली नोटिफिकेशन तो यूजीसी ने सख्त लहजे में कह दिया है, जैसा कि पहले चीन के बारे में कहा था, कि अब कोई भी स्टूडेंट अगर पाकिस्तान में जाके अपने एडमिशंस, अपने कोर्सेज कुछ भी करता है, ठीक है, वहाँ पर एडमिशंस लेता है, तो वो स्टूडेंट की खुद की जिम्मेदारी होगी एंड उसको यहाँ पर इंडिया में किसी भी जॉब या फिर किसी भी रिक्रूटमेंट से वंचित रखा जाएगा। तो ये बहुत ही सख्त लहजे में चेतावनी है यूजीसी के द्वारा। एंड सेकंड थिंग्स, यूजीसी नेट नोटिफिकेशंस फॉर 2022, ये बहुत ही बिग अपडेट है। और जो प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जी हैं यूजीसी के चेयरमैन, उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी भी दी है कि इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या होंगी एंड किस तरह कोविड का असर इस बार के भी यूजीसी नेट के सेशन पे पड़ रहा है एंड कब फॉर्म आप भर सकते हैं और नोटिफिकेशन क्या रिलीज़ हुई है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ चैनल पर, और नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बहुत ही अथेंटिक एंड वैलिड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको नोट्स PDFs की ज़रूरत होती होगी MCQs की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो हम वहाँ पर आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप वहाँ से अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जैसा कि ये आप देख सकते हैं न्यूज़, यूजीसी नेट 2022 रजिस्ट्रेशन, यूजीसी नेट जून परीक्षा के रजिस्ट्रेशन जल्द। यहाँ देखें टेंटेटिव डेट्स जो हैं, टेंटेटिव का मतलब ये मत समझिए कि अभी भी संभावित है। ये यूजीसी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने जानकारी दे दी है। एंड दिसंबर 2021 की परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी है, इसलिए अब NTA दिसंबर 2021 और जून 2022 सेशन के लिए फिर से, जैसे अभी पिछली बार हुआ है, उसी तरह से एक मध्य संयुक्त UGC नेट 2022 परीक्षा आयोजित करेगा एंड परीक्षा जून 2022 के पहले या दूसरे सप्ताह में आयोजित होने की संभावना है। तो अभी अप्रैल चल रहा है और इसी अप्रैल में ही हो सकता है लास्ट वीक जो चल रहा है इसमें, या फिर मई के फर्स्ट वीक में ही नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाएगा एंड एप्लीकेशंस भी शुरू हो जाएंगे। जून में ही एग्ज़ाम कराने की तैयारी है, ठीक है, तो एप्लीकेशन आपके 10 से 15 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे, ये पूरी संभावना है। और यहाँ पर सबसे बुरी बात एक प्रकार से यही है कि जो दोनों ईयर्स की परीक्षाओं को, दोनों ईयर क्या कह सकते हैं, जैसे दिसंबर की और जून की, ठीक है, इन दोनों की परीक्षाएँ जो मर्ज की जा रही हैं, इससे पिछली बार भी दिक्कत हुई थी, इस बार भी दिक्कत होगी। एंड जो जिनकी वैलिडिटी है UGC नेट JRF की वैलिडिटी जो है, उसको 2-3 बार इम्प्रूव की गई थी और फिर यही होगा, इम्प्रूव करनी पड़ेगी बार बार। एंड साथ ही साथ सीटों की भी दिक्कत आती है, बच्चों का सिलेक्शन कम होता है क्योंकि एक साथ ही बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे परीक्षा देने के लिए, और वैसे भी हो जाते तो UGC ने इसको इस तरह से करके थोड़ा सा सेशन को पटरी पर लाने के बारे में, और इस बार ही ऐसा होगा, हो सकता है नेक्स्ट बार से हालात ठीक रहें तो ठीक तरीके से अलग अलग हो जाए। तो आगे की जो अपडेट है उसको आप देख लीजिए। UGC नेट 2022 परीक्षा में बैठने के इच्छुक उम्मीदवारों को बता दें कि परीक्षा एक संयुक्त सत्र में आयोजित की जाएगी। इससे पहले तक परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाती रही है, दिसंबर और जून, मगर कोविड और उसके बाद के लॉकडाउन के कारण एग्जाम साइकिल बाधित हो गया है। दिसंबर 2021 की परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी है एंड इसलिए अब NTA दिसंबर 2021 एंड जून 2022 सेशन, कौन कौन से सेशन है वो आप ध्यान से देख लीजिए, दिसंबर 2021 एंड जून 2022 का जो सेशन है उसके लिए एक संयुक्त UGC नेट 2022 परीक्षा आयोजित करेगा। परीक्षा जून 2022 के पहले या दूसरे सप्ताह में आयोजित होने की संभावना है। UGC नेट 2022 नोटिफिकेशन इसी महीने जारी होने की संभावना है। उम्मीदवार किसी भी अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र बना कर रखें, और अगर वहाँ नहीं बना सकते हो तो हमारे चैनल पर नज़र ज़रूर बनाए रखें, अपडेट तो यहाँ पर दी जाती हैं और दी जाएंगी। टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे तो तुरंत ही नोटिस आपको मिल जाएगा। बता दें कि UGC नेट एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम अब ऑनलाइन माध्यम में आयोजित किया जाता है, मतलब CBT, एंड जिसमें क्वालिफाई होने वाले उम्मीदवार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और जूनियर रिसर्च फेलोशिप होने के पात्र होते हैं या पाने के पात्र होते हैं। जानकारी के अनुसार जून सेशन की परीक्षा महीने के दूसरे सप्ताह में आयोजित की जा सकती है। जून सेशन की परीक्षा महीने के, मतलब जून महीने के दूसरे सप्ताह में आयोजित की जा सकती है। उम्मीदवार वेबसाइट पर अपडेट चेक कर सकेंगे। तो ये अपडेट जो थी वो UGC के द्वारा ही थी एंड आप इसको बिल्कुल सही माने एंड जो भी फॉर्म भरेंगे इस बार उनकी प्रिपरेशन बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, तो ही बेस्ट होगा। आप UGC नेट के लिए
उनके सिलेबस को रीड करते रहें, और यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस हमारे चैनल पर रिसर्च मेथोडोलॉजी के अपडेट होते रहते हैं। हम कुछ सब्जेक्ट के भी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, बट फैकल्टीज़ नहीं होने की वजह से नहीं हो पाता है। हम उसके PDF ज़रूर प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड जल्द ही हमारी वेबसाइट जो है वो आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप अच्छे से सारी चीज़ें देख पाएंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।